दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है टाटा मोटर्स की ऑल न्यू सफारी। आज हम देखते हैं सनरूफ में आपको क्या नया मिल रहा है। सनरूफ में एक दो नए और स्पेशल फीचर्स हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक यूज़र फ्रेंडली लगे। अब एक फ़ीचर है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी में सनरूफ खुली हुई है और आप गाड़ी लॉक करके जा रहे हैं और आप सनरूफ बंद करना भूल गए। अब ऐसे के मामले में क्या होता है कि सनरूफ अगर आप खुली छोड़ जाएंगे तो कोई भी आपके बारिश अंदर आ सकती है, कोई जानवर अंदर जा सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसमें टाटा मोटर्स ने आपको एक न्यू जो इसमें एक फ़ीचर मुझे लगा कि उसमें देखिए अगर आपने सनरूफ को ओपन भी छोड़ दिया है तो मान लीजिए पहले हम सनरूफ को इसकी खोल देते हैं, सनरूफ को खोल देते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी पानोरामिक सनरूफ जो आपको मिलती है वो खुलती है तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको ऊपर अपने देती है। देखिए पूरी खुल चुकी है। अब मैंने इग्निशन इसको ऑफ करा, बाहर आ गया हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये कोई नॉर्मल गाड़ी होती तो आपको क्या था, आपने ये इसका की फॉब है, ये देखिए की फॉब था और आपने लॉक करनी थी, ये भूल जाती है आपको। लेकिन ये है टाटा की सफारी, देखिए सनरूफ बंद हो रही है आपके लिए, आपने गाड़ी लॉक करी और सनरूफ बंद हो गई। अब इसमें देखिए, अब ये देखते हैं कि देखिए अनलॉक करने पर ये क्या है, खोल देगा कि दोबारा नहीं, आपको दोबारा खोलनी होगी, ये नहीं खोलेगा। तो एक फ़ीचर तो क्लियर हो गया कि क्या इसका बढ़िया फीचर मुझे लगा। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की, अंदर आइए। अब अंदर अगर आप आते हैं तो सफारी के आपने इंटीरियर देखे ही है, काफ़ी प्लश काफ़ी लग्जूरियस इंटीरियर जो आपको इसमें मिलते हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। एक इसका जो अच्छा फीचर और है वो है इसका एंटी पिंच फंक्शन, जो कि ज़्यादातर गाड़ियों में आपको मिलता ही है, उतना कोई बड़ा फीचर नहीं है और ये कोई स्टंट वाला फीचर नहीं है, ये इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ही होता है केवल। कि मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपका ही हाथ है, कभी आपका सनरूफ में अगर ये एंटी पिंच फंक्शन ना हो तो ये आपके हाथ को डैमेज कर सकता है या फिर आपकी बोन्स को भी क्रश कर सकता है। अब आपने इसको क्लोज करना है तो मैं इसको वहाँ तक नहीं ले जाऊँगा, तो देखिए यहीं से मैंने थोड़ा सा एफर्ट दिया तो ये वापस चले जाती है, रिट्रैक्ट कर जाती है। यहाँ पर ला के मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हो सकता है कि कई बार सिस्टम फेल हो और डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एक फंक्शन ये है। एक जो तीसरा एक मुझे लगा कि देखिए इनने जो लेआउट रखा है काफ़ी क्लीन रखा हुआ है, आपको अगर शेड हटाना है, देखिए पहले तो पावर विंडो को मैं बंद करता हूँ, ये जो 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। जो शेड है वो शेड के लिए देखिए इन्होंने अलग से दिया हुआ है, अगर आपको हल्का सा इसको टिल्ट करना है जिससे एयर का सर्कुलेशन बना रहे उसके लिए अलग से स्विच दिया हुआ है, अगर आपको पूरी सनरूफ शेड भी हटाना है ग्लास भी हटाना है तो उसके लिए अलग स्विच दिया हुआ है। देखिए अगर ये बटन करूँगा ऐसे खाली शेड हटेगा जिससे कि रोशनी अंदर आ जाए लेकिन हवा और धूल और भी पॉल्यूशन और नॉइज़ अंदर ना आए, तो ये इसका एक अच्छा फीचर है। चौथा एक और जो अच्छा मुझे लगा कि टाटा मोटर्स का कहना है कि इन्होंने इसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाई हुई है जो कि एक ब्लैक कोटिंग है, उससे क्या होगा कि जो बाहर की इंफ्रारेड रेज है या फिर जो भी हार्मफुल रेज है जो कि आपके कैबिन को गर्म करने के लिए भागीदार हो जाती है वो अंदर नहीं आ पाएगी और जो हीट का जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा इस ग्लास के थ्रू, तो वो भी एक अच्छा फीचर है। इसको एक आप यूवी कट ग्लास कह सकते हैं, एक थर्मल कट ग्लास कह सकते हैं, तो वो भी अच्छा फीचर है। अब आइए एक बार इसके रियर की ओर। अब रियर में देखेंगे, रियर में भी अच्छा खासा स्पेस है, रियर में भी इसके अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पर होने को इसकी आधी ग्लास जो है सनरूफ का वो खुलता है और आधा बंद रहता है, ये हो सकता था कि ये पूरा ओपन हो जाए बट अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुई है सेगमेंट में। और एक और जो इसका अच्छा फीचर मुझे लगता है वो है इसका जो रेन सेंसर इसमें दिया गया है, इसी के साथ इसको इनबिल्ट किया गया है जो वाइपर्स है जो इसके हेडलैम्प्स है कि अगर बारिश भी आती है तो जो आपकी सनरूफ है बंद हो जाए। तो टोटल 5-6 जो इसके नए फीचर है वो मुझे लगे सफारी के अंदर जो मैंने आपसे इसके बता दिए, और कंपटीशन भी ज़रूर देता है इन सारे फीचर्स को जो कि देने भी चाहिए और कस्टमर्स के लिए ये सारे फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो ये कुछ था सफारी की सनरूफ से रिलेटेड एक अपडेट, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये है आपकी सफारी ऑयस्टर वाइट कलर शेड आपके सामने है अभी पूरे इंटीरियर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।